अब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो रियल जीडीपी को वी कैन राइट वैल्यू ऑफ करंट ईयर्स प्रोडक्शन एट बेस ईयर प्राइस. नॉमिनल जीडीपी वैल्यू ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन एट करंट ईयर प्राइस. आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक है. दूसरी डेफिनेशन भी इसकी एक्सेप्टेबल जो है, ध्यान से देखिए, जीडीपी व्हेन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटीज इज नोन एज रियल जीडीपी, क्योंकि वो रियल जीडीपी आपने देखा ना, कंपैरिजन करता है सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है. नॉमिनल को यू कैन से जीडीपी व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मार्केट वैल्यू इज डिफाइंड एज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है बेटा. ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं. अब ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं. अभी जो आपने मेरे साथ क्वेश्चन किया, जिसमें मैंने आपको बोला 16, 17, 17, 18 एक डेटा दिया था, प्रोडक्शन मैंने आपको दी थी 10,000 और 12,000 टन, और फिर मैंने आपको प्राइस बताया था. मैंने कहा था यहाँ प्राइस था 100 रुपीस टन, यहाँ था 150, ठीक है बेटा, यही था ना. ये प्रोडक्शन जो थी वो टन्स में थी और ये प्राइस पर टन था. अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड होता है प्राइस इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स क्या होता है? करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. एक्चुअली प्राइस इंडेक्स बताता है इन्फ्लेशनरी इफेक्ट. क्या बनाता है? इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, कि प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं वो हमें पता लगता है प्राइस इंडेक्स से. करंट ईयर प्राइस है 150, बेस ईयर प्राइस है 100, तो कितना आ गया प्राइस इंडेक्स? प्राइस इंडेक्स आ गया 150. करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स 150 है. अब ध्यान से देखिए, सी देयर इज अ रिलेशनशिप दैट रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी. इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर रियल जीडीपी को आप इन्फ्लेशनरी इफेक्ट से मल्टीप्लाई, प्राइस के इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. रियल जीडीपी हमारा कितना आ रहा था उसमें? 12 लाख. प्राइस इंडेक्स कितना आया? 150 डिवाइड बाय 100. तो अगर आप इसको देखें तो ये 18 लाख आ रहा है, विच इज द नॉमिनल जीडीपी, जो अभी पीछे हमारा आ भी रहा था. तो नॉमिनल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स समझ में आ गया, करंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस, एंड नॉमिनल जीडीपी इज रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100. इस तरीके से आप अपना नॉमिनल जीडीपी कंप्यूट कर सकते हैं. फटाफट इसको एक बार सारा का सारा नोट कर लीजिए फास्ट.